अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की ये मेरी वीडियो जो है वो हिजामा के ऊपर ही है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राई कपिंग एंड आल्सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेट कपिंग। स्पेशली तौर पर हिजामा जिसका नाम है वो वेट कपिंग है, और ये जो है वो कपिंग थेरापी है। और जिस तरह मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी मैंने ये मेंशन किया कि ये हिजामा जो है ये हज़ारहा साल से तरीका इलाज है और अभी तक वो जारी और सारी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हद तक डेवलपमेंट हुई है। और ये तरीका इलाज जो हिजामा का है ये आपके ब्रेन के मेडुला के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव असर छोड़ता है। और उस हवाले से अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, शरियानों की तंगी है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हाई हैं, शियाटिका का पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, या यूरिक एसिड लेवल में इजाफा हो जाता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट पेन है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, मल्टीपल किडनी स्टोन्स हैं, या रिनल फेल्यूर का केस है, या स्टमक का प्रॉब्लम है, स्टमक की अल्सर है, तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो है वो हिजामा बड़ी बेहतरीन वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो हिजामा जो है वो आपकी शरीरों के ऊपर बहुत बेहतरीन असर छोड़ता है। हिजामा जो है वो आपके पिट्ठों के अकड़ा को ख़त्म करता है और आपके पिट्ठों को रिलैक्स करता है। जो भी मसल्स बॉडी की होती हैं वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती हैं। हिजामा जो है वो दमा और फेफड़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ब्रोंकाइटिस के अंदर, एस्मा के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, या एम्पाइमा या एक और कंडीशन होती है जिस कंडीशन को जो है वो निमोनिया कहते हैं, और वो बड़ी ख़तरनाक सी कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हिजामा जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। हिजामा जो है वो आपके सर दर्द के लिए, आपके चेहरे के ऊपर दाग हैं, चेहरे के ऊपर जो है वो ब्लैक निशानात हैं, रिंकल्स हैं, और आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन एज से पहले बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर जो है वो लाइनिंग और रिंकल्स हो गई हैं, या दाने और कील मुहासे बन गए हैं, तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो है वो हिजामा बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो कपिंग से पहले और कपिंग के बाद जो है वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस हवाले से आज मैं कुछ चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हिजामा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो किस तरह है। हिजामा जो है वो जब हम कपिंग करते हैं और कट्स देकर जो है वो कपिंग करते हैं, तो कपिंग के अंदर एक वैक्यूम बन जाता है, एयर बन जाती है, और वो एयर जो है वो आपके ब्लड को सक करती है, और वो ब्लड जो है वो कप के अंदर जो है वो खारिज होना शुरू होता है, और वो ब्लड वो निकलता है, ब्लड जो ब्लड आपके सेल्स के लिए, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ के लिए बड़ा नुकसानकार होता है। उस हवाले से जो हिजामा है वो आपके ब्लड को मूव करता है, और जो विंड है या जो कोल्ड है या जो पैथोजेंस हैं, हीट पैथोजेंस होते हैं, कोल्ड पैथोजेंस होते हैं, तो उनको एलिमिनेट करता है। और उसके अलावा जो है वो आपकी सारी बॉडी को रिलैक्स करने में हिजामा जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो ये टेक्निक जो है वो तकरीबन डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और टोलियो मेथड्स जो है वो इस टेक्निक में इस्तेमाल किए जाते हैं कपिंग के हवाले से। और एवी केस जो है वो जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया जाए तो उसके लिए बेहतर ये है कि पेशेंट का ज़्यादा टाइम न लिया जाए तो बेहतर है, क्यों फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम पर अगर आप पेशेंट का ज़्यादा टाइम लेंगे तो उससे जो है वो पेशेंट में खफ की और इरिटेशन पैदा हो सकती है। और जैसे जैसे आप जो हैं वो सेशंस करते जाएं तो वैसे वैसे साइमल्टेनियसली आप जो हैं वो अपने टाइम में इजाफा करें, दूसरा सेशन जो है वो पहले सेशन से थोड़ा सा लॉन्ग रखें, तीसरा सेशन जो है वो दूसरे सेशन से थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग रखें, ताकि पेशेंट के अंदर जो है वो एक टॉलरेंस पैदा हो, और कपिंग के अंदर जो वैक्यूम बनता है, जो प्रेशर बनता है, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के काबिल बन सके। तो जो कपिंग होती है
वो स्पेशली पॉइंट्स के ऊपर होती है, और जो आपका स्पेशलिस्ट होता है हिजामा का, कपिंग का जो स्पेशलिस्ट होता है, और वो आपसे हिस्ट्री लेगा सबसे पहले, और हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो पॉइंट्स से सिलेक्ट करेगा। मुख्तलफ बीमारियों के लिए मुख्तलफ पॉइंट्स होती हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे चलकर मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा, और एक एक बीमारी के अंदर हिजामा किस अंदाज में किया जा सकता है, और बीमारी के ऊपर जो है वो हिजामा का कितने हद तक जो है वो रिजल्ट्स है, और कितने सेशंस के जो है वो बाद रिजल्ट मिल सकता है। तो हिजामा जो है वो एक सेशन से भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हिजामा के लिए तकरीबन 10 से 12 सेशंस करवाने की ज़रूरत होती है, और बेहतर ये होता है कि आप जो हैं वो हर हफ्ते में एक सेशन जो है वो करवाएं, हफ्ते हफ्ते के बाद करवाएं, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही सेशन की क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा, वैसे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता जाएगा, और आपके बीमारी की जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाकई हो सकती है। लेकिन हिजामा करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जिससे आप हिजामा करवा रहे हैं वो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो, वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो, और आम तौर पर हर बंदे की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टरलाइजेशन नहीं होगी, अगर जो कट्स वगैरह देते हैं वो स्टरलाइज्ड ब्लेड के साथ नहीं होते, या डिस्पोजल ब्लेड के साथ नहीं होते, या जो कप्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में अगर स्टरलाइज नहीं होते, तो उस हवाले से कंटामिनेशन पैदा हो सकती है, आप सेप्टिक हो सकते हैं, आपको बुखार हो सकता है, टेम्परेचर पैदा हो सकता है, आपको जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है, या जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं खुदा नखास्ता आप उनमें सफ़र कर सकते हैं, जिस तरह के हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एचआईवी है, या जो सेफिल्स है, या और जो डिजीज़ वगैरह हैं वो बन सकते हैं। और जो हजामा है उसका साइड इफ़ेक्ट इतना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। हजामा करने से पहले जब आप अपने डॉक्टर की तरफ आएँ, तो सबसे पहले आप एक दिन पहले अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, और उस दिन जब आपको जाना है तो जो नाश्ता है वो बिल्कुल हल्का सा मुख्तसर सा खाएं, और बिल्कुल भी सिंपल सा खाना हो और छोटा सा नाश्ता हो वो करें खाली पेट पर, कभी भी आप हिजामा न करवाएं। और जब डॉक्टर के पास जाएं तो कम से कम खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे और हिजामा के बीच में जो है वो वक्फ़ा होना चाहिए, वो लाजमी है, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएँ। और हिजामा से पहले जो है वो आपके डॉक्टर को ये चाहिए कि आपसे जो है वो डिटेल में हिस्ट्री ले, और उसके बाद जो है वो किसी मार्कर पेन से वो पॉइंट्स जो हैं वो नोट करें, डॉट्स दें उन उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ जो है वो हिजामा करवाना है। और हिजामा से पहले ज़रूरी है आपकी बॉडी की वो जो डॉक्टर है उन साइट्स की जो है वो मसाज करें, स्लोली जेंटली किसी भी ऑयल के साथ जो है वो मसाज की जा सकती है। और उसके बाद जब कपिंग करें तो रिमूवेबल कपिंग, यानी कप को जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर जहाँ करना है आगे पीछे कप को जो है वो करे, कुछ 5-10 मिनट तक आगे पीछे करना चाहिए, और आस्ता आस्ता कप का प्रेशर जो है वो आपकी बॉडी पर जो है वो बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो पॉइंट्स आपके डॉक्टर ने सेलेक्ट किए हैं उन उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आप कट्स दें, कट्स देने के बाद वहाँ पर जो कप्स हैं वो आप फिक्स करें, और उसके बाद जो है वो कप्स को छोड़ दें, जब तक आपका पेशेंट बर्दाश्त कर रहा है तब तक जो है वो कप लगे रहें, और उसके बाद जब अनईजी फील करे आपका पेशेंट तो उसमें लेट नहीं करना चाहिए, और फिर फिल फोर जो है वो कप्स को जो है वो आप रिमूव करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।